ये देखो, डोंटी डोंटी ये हाँ बहुत थक गया। मेरा लड़का जो बोर थे खाया हाँ करके खा रहे थे। हाँ कौन वरी इसे भी घर जाना है। इस बार मैं रुक रहा हूँ थोड़ा आगे, यहाँ पे कोई दूसरा रिजॉर्ट है वहां पे। आजा 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 आजा, कैसा है तू, कैसा है कैसा है। सो गाइस, सुबह का टाइम है और चेक इट आउट, वेदर चेक करो, क्या बहुत ही प्यारा नज़ारा है मॉर्निंग का। मतलब मॉर्निंग भी क्या, 10 बज चुके हैं अभी तो, वरना सुबह 8-9 बजे करीब ना पूरे के पूरा कूड़ा रहता है। यहाँ है अपना गांव। खैर 50 बार दिखा चुका हूँ मैं अपनी वीडियो इस जगह की। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द अनदर डे। ये है सामने आपकी बुआरी, मेरी बुआरी, आपकी बुआरी उधर, मेरे बुआरी का तो बोर जा रहा। अब मेरा लड़का तो बोर थे, हाँ आया का तो खा रहे थे। कौन बुआरी? अब ये वीडियो बना रहा है, वीडियो डलेगी यूट्यूब में। कहाँ बोल रही बोल। और सोचो आप जो अगर बुआरी ने देख लिया अपने लड़के लड़के को, बोला गोरा, बुआरी को बोला काला, अब क्या बोलेगी बुआरी? बड़ा अच्छा जॉन्टी जॉनी, सब कुछ दो मुझे जो जो है तुम्हारे राज में। क्या है मैं? नाश्ता पानी, मक्खन घी दही पनीर। ये आलू बड़ी आ गई, मक्खन सब डालो। बाय बेटा बाय, ठीक है निक्की? तो देखना ठीक है, 10 दिन तक इसे, 10-12 दिन तक खाना होना देना, ठीक है अच्छे से घुमाना। जॉन्टी बाय, चिकन बोला भी दो, चल बाय, ठीक है बाय, चल बाय, टाटा बाय मौसी, बाय 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 जॉन्टी। और थर्ड डे, एक दिन हम आए एक दिन हम रहे और आज हम वापस जा रहे हैं। तो तुम्हें दोबारा से मैं स्टेरिस पे हूँ और दिखा देता हूँ। थोड़ा मौसम खुला है सुबह से अब, जो कि कल शाम से यहाँ बारिश हो रही है कंटिन्यू भाई। और देखो सामने मधमेश्वर का पहाड़ है, पूरा नदी बहते हुए आ रही है, एंड इधर पीछे साइड केदारनाथ है। और देखो भाई कितने बादल काफ़ी नीचे नीचे हैं। तो अभी हमारा निकलने का सीन हुआ है, फटाफट से निकलना है, तो कुछ काम भी है मार्केट में हम लोगों को, उसके बाद निकलते हैं, देखते कहाँ निकलना है। बाय बाय। ढूंढ रहा है मुझे, ढूंढ रहा है। देख लिया उसने मुझे, देख लिया देख लिया। तो देखो कितना भयंकर वाटरफॉल आ रहा है, ऑटम में इतना ज़्यादा वाटरफॉल आता नहीं है, लेकिन बारिश की वजह से इतना भयानक आ रहा भाई। देखो वहाँ पत्थर भी नीचे गिर रखे हैं, इसे भी घर जाना है। ओ भाई कैसे भाग रहे है? ओ भाई, तो ऐसा एक गधेरा पड़ता है रास्ते में, आज बहुत ज़्यादा पानी है इसमें, बहुत ज़्यादा। फेस की हालत मेरे कुछ ऐसे हो गई है, मेरे को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आता है भाई। और जॉन्टी बेचारा थक गया, थक गया, और इसको पसीना आता जी, इतना नहीं है जितना मेरे को है, मेरे को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा भाई। कैसे मुझे बहुत ज़्यादा आता है पसीना। और अभी यहाँ से कम अप्रॉक्स 1 किलोमीटर बचा हुआ है, 1 किलोमीटर या थोड़ा सा कम बचा है उससे। देखो पिछली बार तो मैंने अपनी कार यहाँ पे लगाई थी, क्योंकि यहाँ तक रास्ता आ चुका है, लेकिन प्रॉपर भी पक्का वाला रास्ता नहीं आया है, और जो रास्ता कच्चा वाला था
अब वो भी नहीं बचा हुआ। यहाँ से पूरा टाप के गए थे परसों जब हम आए थे ना रात में, तो बड़ी मुश्किल से नीचे गए थे, जो कि उसमें बारिश भी हो रही थी और देखो भाई कैसा भी रास्ता और रखा है। तो हम कैसे ही गए हम लोगों को पता है, और ये बस अभी कार्य प्रगति पर है तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन छः सात महीने हो चुके हैं ऐसे इस काम को। एक दो साल लग ही जाएंगे, दो साल। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं हम इतने स्ट्रगल के बाद ऊपर, और भाई जॉन्टी ने ही पानी पी लिया। कर थक गए हो आप? थक गए हो? नहीं नहीं नहीं, कतरो काटेगा पता है वो। तो यहाँ हमने अपना लंच कर दिया है और कार यहाँ हमने पार्क करी हुई थी, और भाई साहब ना ये उसे धमकी दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि आ जा आ जा। तो पता नहीं क्यों भाई, जबकि है ये उसके पंजे के बराबर भी नहीं। तो भी देखो बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी है और वेदर भाई बहुत ज़्यादा सेक्सी हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और ये भाई साहब पीछे जाके सो चुके हैं। ये देखो भाई बारिश बारिश ही बारिश। कोई भी पहाड़ हो वहाँ झरने की कमी नहीं होने वाली, और ऊपर से बारिश का टाइम है तो भाई वाटरफॉल नहीं, यहाँ फाल आ रहा है बड़ा बड़ा। तो नहाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि बारिश के टाइम में पत्थर आते हैं पानी के साथ में, तो हो सकता है आपको सर तो फूट जाए, इसलिए प्लीज़ कृपा है कि दूर रहे इस टाइम वाटरफॉल से और सिर्फ नज़ारों के आनंद लें। यहाँ से पड़ता है अपने को चोपता 15 किलोमीटर, जो कि टाइम लगता है अपने को मैक्सिमम 1 आवर, जो कि भाई एकदम खड़ी चढ़ाई है 15 किलोमीटर। मानता हूँ बहुत कम है, लेकिन ना चढ़ाई बहुत ज़्यादा है और रास्ता भी वैसा ही है, छोटा सा पतला सा और बहुत डेंजरस रास्ता होता है यहाँ का, तो इसलिए अपन को आराम से चलना पड़ता है। पहुँच चुके हैं यहाँ पे हम अपना, जहाँ मैं हमेशा स्टे करता हूँ अपने अंकल जी के रिजॉर्ट में। और भाई बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा, और ब्लोअर से ना बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। तो जैसे ही बाहर निकल रहा हूँ ना तो भाई ठंडा लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त ठंड काफ़ी है यहाँ पे। सिर्फ एक सिंगल टी शर्ट में आ रखे हैं हम लोग, क्योंकि हमारा सडन प्लान बना। वही है द मेडोज, हमेशा जब भी आता हूँ तो यहाँ पे रुकता हूँ। इस बार यहाँ पे नहीं रुक रहा हूँ, इस बार मैं रुक रहा हूँ थोड़ा आगे, यहाँ पे कोई दूसरा रिजॉर्ट है वहाँ पे, क्योंकि जो मेरा कज़न है उसके कोई दोस्त था तो उसने कहा कि वहाँ पे आ जाऊँ। तो बस कार पार्क करी यहाँ पे और निकल रहे हैं आगे जहाँ पे, और लास्ट कार है उसके बगल से रास्ता जाता है नीचे। जानू जानू बेटा, भाई साहब जगह जगह खुश कर रहे बेटा, गलत बात है। कैसा हो रहा है, ठंडा हो रहा है यहाँ पे कि मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा होगा पक्का ना। थोड़ा फ्लैश खोला है मैंने, क्योंकि अंधेरा भाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ठंड तो हो ही होगी, लेकिन क्योंकि ठंड की से आदत नहीं है तो भाई हूँ करते रहते, बस डेफिनेटली श्योर इधर को पक्का मज़ा आ रहा होगा। लाइफ की तरह पहला ट्रिप हो गए जो कि स्टे वाला सीन होगा। तो भाई सारे यहाँ पे कैंप वगैरह लगे हुए हैं, भाई के जहाँ आए हुए हैं ना उन भाई के 4 से 5 कैंप हैं, और उन्होंने अभी स्टार्टअप करा है। तो ये अलग किचन है जहाँ पे भाई हम खाना वगैरह खा रहे हैं, और अपने कैंप वगैरह लास्ट वाला है, आपको मैं दिखाऊंगा लास्ट में। और दूसरा भाई अपना जॉन्टी भाई, इसका फर्स्ट टाइम जो ये नाइट स्टे वाला एडवेंचर है ना, इसका फर्स्ट टाइम है और शायद इसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मरा तो मुझे भी आ रहा है भाई, सिंगल टी शर्ट में हूँ और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैंने अभी देहरादून फोन करा था
तो देहरादून में ही ठंड हो चुकी है, तो भाई यहाँ पे क्या हाल हो रहे होंगे आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या हाल हो रहे होंगे। हो, ठंडा हो जा रहा है बहुत ज़्यादा। तो भाई फाइनली हमने डिनर करके अपना रूम पे आ चुके हैं सोने के लिए। अभी कम से कम 10 बज चुके हैं पूरा। मतलब एक्चुअली क्या है, अपने जो साथ वाले भैया वगैरह हैं तो अपने गाँव के ही थे, और ये कैंप वगैरह सब उनका ही है। और तो खाना वगैरह हमने अच्छे से खा लिया, चिकन चावल रोटी, रोटी नहीं खाई चिकन चावल। और ये देखो जॉन्टी, जॉन्टी ये बहुत थक गया, जस्ट कैमरे के सामने ऐसा बना है ये, वरना मुझे तो मतलब पूरा कूदा था यहाँ से वहाँ। दिखाया ऐसा रहा कि जैसे मैं बहुत थका हूँ, बहुत ज़्यादा थका हूँ, और ये भी बहुत थक गया है बहुत ज़्यादा। तो ये अपना कुछ ऐसा कैंप है, और ये कम से कम भाई 5 बेड है, एक डबल बेड यहाँ पे है और एक डबल बेड वहाँ पे है और एक सिंगल बेड वहाँ पे है, और अंदर पूरा ही वॉशरूम अटैच्ड है जो कि बहुत ही बेहतरीन रूम है। और बता दूँ भाई यहाँ पे जो चार्जेस हैं, कम से कम सीज़न में जब मतलब हाईएस्ट सीज़न चल रहा होगा दिसंबर और जनवरी का, तो 1800 से लेकर 2000 तक का पड़ता है, और ऑफ सीज़न मान लो आप 1000-1200 रुपये, और नॉर्मल सीज़न 1500 रुपये, जिसमें आपका डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहता है, जो कि बहुत सही है। चाहे रूम लो चाहे कैंप पे रह लो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सही है। बाहर के टेम्परेचर से अंदर बहुत ही सही है, कंबल मिलती है, एक्स्ट्रा ब्लैंकेट्स रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं वाली, और चार्जिंग का भी रहता है ऑप्शन, जो कि बहुत सही है भाई इतने रुपए में। तो ये कुछ अपना ऐसा रूम है कैंप के अंदर। तो भाई यहाँ से लेकर नीचे तक ना कहीं भी दूर कैंप में होगा ना रेट सेम है।